हेलो एवरीवन दिस इज़ अनुज वर्मा एंड वेलकम अगेन ऑन आर यूट्यूब चैनल वेब स्टडी पॉइंट तो दोस्तों मैं आज आपके सामने एक स्पेशल पर्पज़ से आया हूँ आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे पहले रीजनिंग की क्लासेस डली थी कुछ तो वो किसी कारणवंश रुक चुकी हैं तो आपको हमारे नए सर कुमार गौरव जी आगे रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू कराएंगे तो मिलिए कुमार गौरव जी से तो आइए गौरव सर थैंक यू सर नमस्कार प्यारे दोस्तों मेरा नाम कुमार गौरव जैसा कि सर ने आपको भी बताया रीजनिंग की कुछ क्लासें हमारे चैनल पर चल रही थी वेब स्टडी पॉइंट पर और आज से मुझे सर ने बुलाया है रीजनिंग के लिए तो आगे से जो भी क्लास रीजनिंग की होगी वो मैं आपको कराऊंगा तो आज हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे सिलेबस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ करूँगा और उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करूँगा टॉपिक स्टार्ट करने के बाद आज की क्लास आपकी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी और आगे भी भविष्य में भी जो भी आपकी क्लास होंगी उसमें बिल्कुल आपका टाइम नहीं लिया जाएगा सिर्फ मेन कंटेंट ही आपको कराया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या एग्ज़ाम से रिलेटेड है उससे बाहर आपको कुछ नहीं कराया जाएगा ये मैं आपको पहले से ही अभी कह के चलता हूँ और आगे मेरी क्लास में बिल्कुल भी टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा और दोस्तों मैं आ, आज, आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमने अभी अपना टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है जो कि वेब स्टडी पॉइंट के नाम से ही है तो वहाँ पे हम सॉल्यूशन भी डालते हैं और हम कुछ क्वेश्चन भी डालते हैं तो दोस्तों अगर आपको कोई से भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो कोई क्वेरी हो तो आप उसमें क्वेश्चन भेज के उसका सोल्यूशन पा सकते हैं तो जैसे कि अब कुमार गौरव सर आ गए हैं रीजनिंग के लिए रीजनिंग का सोलूशन ये भी देंगे ठीक है? को, है कोई से भी सब्जेक्ट का अगर आपको प्रॉब्लम है कोई से भी सब्जेक्ट में तो आप उसका क्वेश्चन डाल सकते हैं और उसमें उसका सोल्यूशन पा सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आज से आपको ये कंटिन्यू कराएंगे तो अब आपको ये जैसे इन्होंने बताया सर ने कि सलेबस कराएंगे और ये क्लास छोटी ही रहेगी ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगी ठीक है दोस्तों थैंक यू जैसा कि हमने अभी आपको बताया था रीजनिंग के सिलेबस के बारे में मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे नोट डाउन किए हैं आप एक बार ज़रा इनको देख लीजिए उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे तो इसमें अल्फाबेटिक और कोडिंग डिकोडिंग पहले जो हम आपको टॉपिक कराएंगे अल्फाबेटिक सीरीज़ वाला टॉपिक कराएंगे इससे अगर हम बात करें तो दो से तीन क्वेश्चन आ जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग और एल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग दोनों को अगर मिलाएँ तो तीन से पाँच क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम में ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं पेयर फॉर्मेशन यहाँ से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं एक से दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं लेटर सीरीज़ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ठीक है उसके बाद नंबर सीरीज़ हम आपको कराएंगे संख्या श्रृंखला मिसिंग नंबर एनालॉजी सिमिलरिटी ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं पहले मैं इन पे काम करूँगा उसके बाद जो बच जाएगा रेस्ट जो आपका सिलेबस होगा वो सारा का सारा आपका यहाँ पे कराया जाएगा सिलेबस से बाहर आपका कुछ नहीं होगा ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस कोडेड इक्वेशन डाइस काउंटिंग ऑफ फिगर्स ब्लड रिलेशन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सिलोजिज्म रैंकिंग सिटिंग अरेंजमेंट और ये आपका पजल्स हो जाएगा वेन डाइग्राम इनक्वालिटीज़ मशीन इनपुट आउटपुट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें से ये भी आपके तीन से पाँच क्वेश्चन लग जाते हैं और ये ऐसा SI ही में ही आता है यू में बस उससे आगे स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट आपका आर्गुमेंट में हो जाता है जो कथन और तर्क से रिलेटेड होता है स्टेटमेंट एंड एजेप्शन हो जाता है जो कथन और पूर्व धारणा होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स हो जाता है जो कथन एंड निष्कर्ष हो जाता है ये तीन चैप्टर हैं आपके तीन टॉपिक में हम इनको कंप्लीट करेंगे उसके बाद नॉन वर्बल से कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें भी कुछ चैप्टर आते हैं वो हम आपको करा देंगे ठीक है तो आज मैं आपको ये नया टॉपिक जो है इसके कुछ फॉर्मूले बताता हूँ और दो तीन क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसके बाद फिर आप इसके क्वेश्चन लगा सकते चलिए अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट के बारे में तो आप सब जानते हैं बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं उसी में थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं और उसको हम सीख लेते हैं मैं स्टार्ट करता हूँ अल्फ़ाबेट क्यों से क्योंकि सबसे छोटा हमारा ये चैप्टर है ए बी सी डी ई और ये जेड तक चले जाएंगे टाइम चला जाएगा मैं ज्यादा नहीं लिखता हूं ठीक है ये हमारे अल्फाबेट है अल्फाबेट के बारे में आप जानते हैं टोटल कितने लेटर होते हैं अगर हम लेटर की बात करें तो ट्वेंटी सिक्स होते हैं नंबर एक पॉइंट ठीक है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेटर में कितने नंबर होते हैं ट्वेंटी सिक्स होते हैं नंबर दो अब बात करते हैं कि हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं कौन सा अल्फाबेट जो जो लेटर है वो किस नंबर पे है अगर हम बात करें जो हमारा ए है ये हमारा फर्स्ट नंबर पे है बी हमारा सेकंड नंबर पे है सी हमारा थर्ड पे है और डी हमारा फोर्थ पे, ई e फाइव पे और जेड ट्वेंटी सिक्स ठीक है अगर मैं बात करूँ आपसे कि एफ बताइए जी बताइए आई बताइए तो अब हम जो पढ़ेंगे वो ये होगा कि हमें लेटर का नंबर पता करना है और लेटर का नंबर पता करने के लिए नंबर दो में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला जो आप यूज़ करते आ रहे हैं बचपन से जे ओ टी और ये वाई मैं इनके लेटर के नंबर बाद में बताता हूँ आपको पहले हम इसको समझ लेते हैं इजोटी ए जो टी से हमें इसके कुछ नंबर का आइडिया हो जाता है जैसे ई हमारा जो फाइव नंबर पे होता है जे हमारा टेन पे होता है ओ हमारा फिफ्टीन टी हमारा ट्वेंटी और वाई हमारा होता है ट्वेंटी फाइव ये फाइव का टेबल आपका हो गया फाइव टू जैट टेन या पाँच दूनी दस पाँच या पंद्रह पाँच जो बीस पाँच पांच पच्चीस यानी फाइव टू जैड टेन फिफ्टीन ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव ई जे ओ टी वाई इस ई जे ओ टी से आप थोड़ा सा पास चले जाते हैं नंबर के कि अगर हम बात करें जे जे के बाद कितना आता है के तो के क्या हो जाएगा आपका नंबर ग्यारह ठीक है ओ ओ के बाद क्या आता है पी तो पी का नंबर कितना हो जाएगा सोलह ठीक है इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं ई जो टी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये आपका नंबर दो का फर्स्ट पॉइंट है नंबर दो का सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नंबर की पहचान कैसे करनी है नंबर की पहचान करने के लिए ए बी सी डी ये चार नंबर आपको पता है कि कौन सा नंबर कौन से नंबर पे है ई e से आपको नंबर पाँच पता लग गया ठीक है अब हम बात करते हैं एफ़ की ये एफ़ हमारा किस नंबर पे होगा आप लेटर को देखिए और उसी से पहचान लीजिए कि वो किस नंबर पे है आपको इतना पता होना चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता हो जाएगा तो देखिए ये एफ़ अगर एफ़ को हम सीधा कर दें या उल्टा कर दें तो ये किस तरह से बन रहा है ये सिक्स से बन रहा है अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको सीधा कर दूं तो सिक्स हो जाएंगे ना ठीक है तो ये जो आपका एफ़ है ये नंबर सिक्स पे होगा जी की बात करें ये जी मैं इस तरीके से बनाता हूं कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बनाते हैं ठीक है तो देखिए यहीं पर साथ निकल के आ रहा है अगर मैं इसको लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा नंबर सात तो जी आपका कौन से नंबर पर हो जाएगा जी सेवन पर हो जाएगा जी के बाद आप बात करते हैं एच की एच में आपको क्या करना है ये एच है आपका ऊपर से मिला दीजिए नीचे से मिला दीजिए क्या लग रहा है आपको नंबर एट तो एच आपका कौन से नंबर पर हो जाएगा नंबर एट आई की बात करते हैं ये आपका आई हो गया आई बिल्कुल सीधा खड़ा है आई को आप ऐसे भी लिख सकते हो लिखते हैं कुछ बच्चे अभी भी तो ये किस तरीके से दिख रहा है ये आपको नाइन की फॉर्म में दिख रहा है तो आई हो गया आपका नाइन अब बात करते हैं जे की जे तो में आता है और जे नंबर दस पे है दस के बाद के की बात करते हैं ये के है एक लाइन आपने ऐसे ली और एक और एक दो वन टू यानी आपने के में दो लाइन लगाई है एक तो इसका बेस हो गया इसको रहने दीजिए लेकिन ये जो दो बेस है आप इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों को सीधा आप कर दीजिए तो के हो गया आपका नंबर ग्यारह पे ठीक है तो उसके बाद बात करते हैं एल की एल देखिए एल को थोड़ा सा आपको बनाना होगा ऐसे कर दीजिए और इसके साथ ये के वाला एक नंबर लगा दीजिए ये आप अलग से लगा दीजिए ज़रूरी नहीं है कि का ही उठा के आपको रखना है इसको सही तरीके से आप लगा देंगे तो एल हो जाएगा नंबर बारह एल हो गया आपका नंबर बारह उसके बाद एम की बात करते हैं ये एम है एम को आप तिरछा कर दीजिए इस तरीके से ये ऐसे आपने कर दिया इसके साथ भी एक लगा दीजिए तो नंबर तेरह उसके बाद एन एन को आपको क्या करना है एन को उल्टा कलर देना है तो एन आपका हो जाएगा ऐसे अगर उल्टा कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा इसके साथ भी एक लगा दीजिए एन हो गया नंबर चार पे एन एम एन उसके बाद ओ ओ आपका पंद्रह पे है ओ के बाद पी पी की अगर हम बात करें तो चलिए पी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये पी है अगर इसको आप सीधा कर दोगे तो कैसा हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा सीधा आप ऐसे लिख देंगे पी को पी के साथ एक और लगा देंगे तो ये किस पे हो जाएगा नंबर 16 जैसे आपका एम के साथ आपने एक लगाया ये तेरह पे हो गया एल के साथ आपने एक लगाया बारह पे हो गया के के साथ आपने एक लगाया ग्यारह हो गया एन के साथ एक लगाया ये चौदह हो गया आपने क्या किया था सबको चेंज ही तो यानी जो भी लेटर है उसको आपने कभी राइट लिया कभी लेफ़्ट लिया कभी ऊपर नीचे इस तरीके से करके आपने नंबर बना लिया यानी इसी की इमेज में इसी का नंबर छिपा हुआ है कहने का मतलब ये है आपको तो इस तरीके से आप नंबर बना लेंगे पी के बाद आप क्या आ जाएंगे क्यों पे क्यों क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए हम जी पे गए थे जी पे हमने यहाँ से पता लगा लिया था कि ये जो हमारा नंबर सेवन को डिनोट करता है इसी तरीके से क्यों को अगर सही तरीके से बनाते हैं तो क्यों इस तरीके से बन जाता है ये किस तरीके से दिख रहा है नंबर सेवन की और आपको पता है कि सात के साथ आपको एक लगा देना है तो ये नंबर कितना हो जाएगा सत्रह ठीक है क्यों के बाद बात करते हैं आर की आर आर में क्या करना है ऊपर से तो बना हुआ है नीचे से भी आपको सिर्फ इसको मिला देना है और इसके साथ भी एक लगा देना है तो ये कितना हो जाएगा आपका अट्ठारह ठीक है चलिए आर हो गया आर के, के बाद बात करते हैं किसकी एस की एस में आपको क्या करना है देखिए एस दिख रहा है आपको इसको नीचे कर देना है और एक लगा देना है अगर आप एस की बात कर रहे हैं तो इसको नीचे मिला दिया और इसके साथ भी एक ऐड कर दिया साथ में रख दिया तो ये हो गया आपका 19 ठीक है एस के बाद बात करते हैं टी की आप जानते हैं ए जो टी से टी की वैल्यू कितनी है बीस टी के बाद एस टी फिर आता है आपका यू और वी इन दोनों को आप साथ याद रखें इन दोनों को साथ याद रखें अगर आप अलग अलग करते हैं तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो जाए कन्फ्यूज़न ये ना हो जाए कि ये जो यू है ये आपका ट्वेंटी वन है और वी जो है आपका ट्वेंटी टू है इससे तो कुछ आपको गलत अलग करना ही नहीं है ठीक है यू ट्वेंटी वन और वी ट्वेंटी टू इसके लिए अगर समझना है तो देखिए ये वी की अगर हम बात करते हैं तो वी में क्या हो रहा है एक और एक दो एक और एक दो दोनों लाइन को एक साथ मिला रहे हैं तो इन दोनों लाइनों को आप एक साथ लिख दीजिए दो और दो तो वी की वैल्यू आपकी दो हो जाएगी और यू की वैल्यू आपकी एक हो जाएगी या इसको ऐसे भी कर सकते हैं इसको इधर से मिला दीजिए इधर से तो एक दो आपका ये बन रहा और एक दो आपका इधर से बन रहा है तो वी की वैल्यू आपकी दो यहाँ से बनेगा दो यहाँ से बनेगा तो क्या हो जाएगी ट्वेंटी टू अब बचता है यू तो यू की ट्वेंटी वन हो जाएगी बस ध्यान ये रखना है कि V में ही आपके डबल टू बनेंगे U में डबल टू आप नहीं बनाएंगे चलिए V हो गया उसके बाद आपका W बचता है ये W है W बिल्कुल M की तरह है M आपका सीधा था W आपका उल्टा है इसमें क्या करना है W को इस तरीके से घुमा दीजिए बिल्कुल जैसे एम को आपने थ्री बनाया था इसी तरीके से डब्ल्यू को भी थ्री बना दीजिए बस करना इतना है तब वहाँ पे वन की सीरीज चल रही थी अब यहाँ पे टू की सीरीज चल रही है तो अब यहाँ पे आपको क्या लगा देना है टू लगा देना है ठीक है डब्ल्यू के बाद एक्स एक्स के लिए आपको क्या करना है एक्स वाई और ये जेड ठीक है चलिए यहाँ पर नज़र नीचे आपको नहीं आ रहा होगा मैं ऊपर लिख देता हूँ ठीक है ना एक्स वाई और जेड जेड के बारे में आप जानते ही हैं जेड सबसे लास्ट में आता है इसलिए इसका नंबर ट्वेंटी सिक्स होता है ठीक है एक्स और वाई वाई सेकेंड लास्ट है ट्वेंटी सिक्स आपके टोटल नंबर होते हैं तो वाई तो ट्वेंटी फाइव ही होगा ना वाई कितना होगा ट्वेंटी फाइव होगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ इसमें एड या नंबर एक्स में अगर बात करें तो देखिए आपने हिंदी में कुछ इस तरीके से फोर बना देते हैं ठीक है और ये फोर ही बन रहा है तो x को आप ये तो हो गया आपका फ़ोर और इसके साथ हमें दो की सीरीज़ लगा देनी है इसी हिंदी वाले को इंग्लिश में आप लिख दो तो ये जो x है ये आपका क्या दिखा रहा है यहाँ पर ट्वेंटी फोर आपको समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा ठीक है फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ ये अल्फाबेटिकल है अल्फाबेटिक सीरीज़ इसमें ट्वेंटी सिक्स नंबर होते हैं ट्वेंटी सिक्स नंबर लेटर होते हैं सॉरी नंबर नहीं लेटर होते हैं ठीक है ट्वेंटी सिक्स लेटर होते हैं इसमें हमें पता ये लगाना है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे है अगर आपने ये पता लगा लिया तो आपका जो चैप्टर है अल्फाबेटिक सीरीज़ और कोडिंग डी ये दोनों में हेल्प करेगा ठीक है चलिए लेटर ट्वेंटी सिक्स होते हैं इजोटी से हम इसका नंबर पता लगाएंगे पांच लेटर का हमें पता लग जाएगा फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव मैंने सारे नंबर बता दिए हैं एफ में क्या है ये सिक्स की डिनोट करता है जी सेवन को एच एट को आई नाइन को के इलेवन को एल ट्वेल्व को इस तरीके से ये सारे नंबर डिनोट करते हैं ठीक है के से नीचे चलेंगे वन लगा देंगे उसके बाद ये यहाँ पे आप चलेंगे यू से नीचे चलेंगे तो टू लगा देंगे सीरीज में सारे नंबर आपके सेट हो जाएंगे ठीक है बट दिख रहा कहाँ से यहीं से दिख रहा है मैं अभी एक बार आपको इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ आप इसको एक बार नोट कर लीजिए ठीक है फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं चलिए कुछ आपको मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ कि कौन सा लेटर किस नंबर पे होगा मैं अपने नाम से स्टार्ट करता हूँ के यू एन ए आर अब ये जो कुमार है ये किस नंबर पे है के आपको पता है एक और एक दो एक दो तो ये हो जाएगा इलेवन पे यू मैंने बताया था सिर्फ़ वी में ही आपको डबल करना है यू में नहीं करना है तो ये 21 पे हो जाएगा ये एम है डब्लू नहीं है एम और डब्लू दोनों एक से होंगे ठीक है लेकिन हमें क्या रखना है डब्लू के आगे हमें दो लगाना है और एम के आगे हमें एक लगाना है और एम दिखता ही तीन की तरह है ए इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है ये तो नंबर वन पे है आर देखिए अलग ही दिख रहा है ऊपर से गुंडी नीचे से हम गुंडी कर देंगे और इसके साथ हमें क्या लगा देना है एक हो गया अट्ठारह अब आप समझेंगे ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि अगर ये आर है आर को हम नीचे से लगा दें और दो लगा दें तो ट्वेंटी एट कभी कभी एक बच्चे गलती कर जाते हैं ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ट्वेंटी एट इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि लेटर ही हमारे पास ट्वेंटी सिक्स है तो ओबियसली वन ही लगेगा ठीक है ये कुमार का हो गया आगे और देखते हैं कुछ हम नाम ले लेते हैं चलिए मुझसे पहले आपने कर लिया होगा क्वेश्चन सॉल्व ये कौन सा लेटर किस नंबर पे जी किस नंबर पे दिख रहा है नंबर सात ए नंबर एक यू वी में डबल लगाना है यू में नहीं लगाना है तो ये ट्वेंटी वन ही रहेगा आर बताया है अभी एटीन पे है ए वन और ये ट्वेंटी टू ये वी है तो वी तो ट्वेंटी टू होगा और नाम ले लेते हैं जैसे हम बात करते हैं योगेश कौन सा लेटर किस नंबर पे है वाई वाई जेड से पहले आता है जेड से पहले आता है आपको इसमें कोई ट्रिक नहीं मालूम है और आपको पता है ये सेकेंड लास्ट है तो ये ट्वेंटी फाइव ही होगा ओ ओ इजोटी में आता है और इजोटी के अकॉर्डिंग ओ किस पे होता है पंद्रह पे होता है जी जी नंबर सेवन पे है ई नंबर फाइव है इजोटी के अकॉर्डिंग और ये एस जो है इसमें क्या करना है आपको आ, इसको मिला देना है और ये एक लगा देना है तो ये हो जाएगा आपका उन्नीस एच एच में क्या करना है आपको ऊपर से मिला देना है नीचे से मिला देना है तो ये हो जाएगा आपका अब आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम इसको और आगे बढ़ाते हैं ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए हैं तीसरा फॉर्मूला वो देख लेते हैं नंबर तीन आप मुझे बताइए कि लास्ट से लास्ट से ई कितने नंबर पर है चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए जल्दी से मुझे बताएं लास्ट से ई कितने नंबर पे है आ, कमेंट में लिख दीजिएगा ठीक है मैं सभी के कमेंट देख लूंगा अगर आप लास्ट से चेक करते हैं तो आप क्या करेंगे आप जेड से गिनना शुरू करेंगे क्योंकि आप शुरू से अगर देखते हैं तो शुरू से आपको पता लग गया शुरू से तो ई नंबर पांच पे है अब लास्ट से बताइए ना लास्ट से कितने नंबर पर है तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लगाते हैं ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप लास्ट से शुरू कर रहे हैं ट्वेंटी सिक्स से आप माइनस नहीं करेंगे ठीक है ये फॉर्मूला ही है आप समझ लीजिए ठीक है ट्वेंटी सेवन से इसको माइनस कीजिए और ई e कौन से नंबर पे है नंबर फाइव पे तो ट्वेंटी सेवन में से आप फाइव माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी टी तो लास्ट से ई e कितने नंबर पे हो जाएगा ट्वेंटी टू पर इसके कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं अब बात करते हैं हम लास्ट से ओ किस नंबर पर है तो क्या करेंगे ट्वेंटी सेवन ओ अगर शुरू से देखते हैं तो पंद्रह नंबर पे है तो आप पंद्रह माइनस कर दीजिए ट्वेंटी सेवन में से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नंबर बारह ठीक है दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं लास्ट से आर किस नंबर पर है चलिए 27 सेवन माइनस आर किस नंबर पे होता है आर तो 18 नंबर पे होता है और जब माइनस करेंगे तो कितने नंबर पे हो जाएगा 9 नंबर पे तो ये आप नोट कर लीजिए इससे आगे हम चलते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो ये आपके नंबर तीन हो गए हैं अब हम नंबर चार पे चलते हैं नंबर चार से आपके किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं अल्फाबेटिक सीरीज़ का आपको पता लग गया है लास्ट से भी आपको पता लग गया है लास्ट से कौन सा लेटर किस नंबर पे है अब हमें ये बताना है कि कुछ बना लेते हैं जैसे हम बात करते हैं कि ए जेड इसके साथ आ जाता है कभी कभी अब ए बी सी डी और ये ई ठीक है उसके बाद एफ मैं इधर लिख लेता हूँ जी एच आई आई के बाद जे के एल और ये एम ये आप काउंट कर लीजिए एक बार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ट्वेल्व और थर्टीन थर्टीन टू जो ट्वेंटी सिक्स एम के बाद आप एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड ठीक है तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से आ जाते हैं इसको हम बोलते हैं अपोजिशन लेटर्स के अकॉर्डिंग आते हैं क्वेश्चन तो ये अपोजिट लेटर में आ जाते हैं ठीक है अपोजिट किस तरीके से जैसे ए जेड के साथ आ जाता है बी वाई के साथ आ जाता है एच एस के साथ आ जाता है तो अभी आपको सिर्फ ये जो सीरीज़ है इसको आपको तैयार करना है और तैयार करने के लिए भी आपको ट्रिक बता देता हूँ ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में ये ट्रिक से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं जैसे ये ए और जेड है इसको आप याद रख सकते हैं आज से ऐसे ए और जैसे जेड आज आज यानी ए जेड बी और वाई इसको आप याद कर सकते हैं बॉय से ठीक है बॉय सी और एक्स ये हो जाएगा आपका सिक्स सिक्स से इसको याद कर लीजिए सी एक्स सिक्स डी और डब्ल्यू डी फॉर दूध और डब्ल्यू फॉर वाला दूध वाला या दीपावली ठीक है आप अपने जो भी इसमें ट्रिक लगाना चाहें लगा सकते हैं बट आपको ये याद होना चाहिए तो दीपावली से भी इसको लिख सकते हैं और दूध वाला से भी इसको लिख सकते हैं उसके बाद ई e और वी ई वी यानी इवनिंग ठीक है इवनिंग हो जाएगा एफ यू एफ यू का मतलब हो जाएगा फोर एफ और यू फोर इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे जी टी रोड भी होती हैं आप उसके बारे में जानते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे इसको मैं रफ करके ये जी टी रोड इससे आप इसको याद रखेंगे एच फोर हाई और एस फोर स्कूल इंडियन रेलवे जोकर और क्वीन जे फॉर जोकर और ये क्वीन कानपुर ठीक है राइटिंग समझ लेना बच्चे आप सीनियर हैं सभी छोटे बच्चे तो नहीं हैं एल और ओ इसको आप लव में भी समझ सकते हैं या आप इसको और तो आप देख लीजिएगा मुझे सिर्फ इसको लव से ही मालूम है एल ओ वी ई लव से ट्रिक ये मुझे याद है एम फॉर मोदी और एन फॉर नगर ये ट्रिक है सारी आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और इसको आप समझिएगा ठीक है क्योंकि आप इसको समझेंगे तभी क्वेश्चन में लगा सकते हैं आज बॉय सिक्स दूधवाला इवनिंग फॉर जी टी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जोकर क्वीन कानपुर लव और मोदी नगर ठीक है ये आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे इसको बढ़ाते हैं एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ फिर बाकी जो रहेगा कल हम आपको क्लास कराएंगे ठीक है नोट कीजिए इसको इस्क्रीन शॉट आपने ले लिया होगा तो आज के लिए इतना काफ़ी है मैंने आज आपको ये चार पॉइंट क्लियर करा दिए हैं आप इनको तैयार कर लीजिएगा कल से हम आपको नए क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं और जो भी यूपीएसआई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको क्वेश्चन करा देंगे बाकी जो मैंने इसका मेथड था वो आपको सारा करा दिया है ठीक है तो कल हम स्टार्ट करते हैं नया ये टॉपिक है जो क्वेश्चन है ठीक है तो हमारे जो चैनल को आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्यार अपना बनाए रखिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और थोड़ा आप अपना सपोर्ट भी हमें दीजिए हमने अभी अपना नया चैनल स्टार्ट किया है वेब स्टडी पॉइंट ठीक है तो हम चाहते हैं कि आप हमें अपना प्यार दें और हमारी क्लासों को थोड़ा सा शेयर करें और जिससे कि हमारे जो हमारा मनोबल है वो बढ़ें और आपको और अच्छे से टॉपिक को कराएँ ठीक है तो